हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया है, ये है कम्यूटेटर सेगमेंट का। ये कितना है टोटल मिला के? 24 कम्यूटेटर सेगमेंट है। और इन 24 कम्यूटेटर सेगमेंट में कॉइल जो होता है इस प्रकार से कनेक्टेड होता है कि एक कॉइल का एक लेग, जिसको हम स्टार्टिंग लेग कर सकते हैं, वो एक कम्यूटेटर सेगमेंट में होगा, दूसरा लेग आगे वाले दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में होगा। तो इस लेग को हम कह सकते हैं, एक एस से डिनोट किया है स्टार्टिंग और ई से किया है एंडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉइल कनेक्टेड होता है कि ये कॉइल कनेक्टेड हुआ, ये आगे वाले कम्यूटेटर सेगमेंट में लगा, फिर नेक्स्ट कॉइल बना, उसका जो है कनेक्शन इस एक टर्मिनल का यहाँ कर दिए, उसका लपटे, फिर नेक्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट से लगा दूसरा टर्मिनल, फिर दूसरा को यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किए कॉइल का और यहाँ पे एंड किए, फिर यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे एंड किए, एक दिशा में होते हुए जाएगा इस तरह से कनेक्शन करते हुए। अब हमारा जो लास्ट वाला कॉइल का एंड टर्मिनल है वो जाकर पहले वाले सेगमेंट कम्यूटेटर सेगमेंट जहाँ से हम लोगों ने कॉइल शुरुआत किया था वहाँ पे जाकर ये जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है टोटल कॉइल जो बना है उसको दो हिस्सों में बांटेंगे। उसको कैसे बांटेंगे? तो एक आर्मेचर जो होता है एक सर्किल नुमा होता है, उसमें 180 डिग्री में हाफ मान लेंगे और हाफ मान लेंगे, दो पार्ट मानेंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन ब्रश लगा रहता है वो कुछ इस प्रकार से लगा होता है कि एक जो है यहाँ लगाएगा तो एक जो है फिर यहाँ लगेगा 180 डिग्री के एंगल में, इलेक्ट्रिकल एंगल में। तो यहाँ से कॉइल जो होगा वो यहाँ तक, एक यहाँ पे जितना कॉइल रहेगा 180 डिग्री में एक साइड में ऊपर साइड में, वो सीरीज में आपस में होगा और एक सर्किट बनाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे साइड में जो होगा सीरीज़ में कॉइल आपस में होगा और वो दूसरा सर्किट बनाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ दर्शाने की कोशिश किया हूँ। इसको टोटल को दो भागों में बांटा है, 180 डिग्री में एक से लेकर 12 तक, उसके बाद 13 से लेकर 24 तक 180 डिग्री में, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ईएमएफ हमको प्राप्त होगा अगर हम इसके और इसके बीच ईएमएफ मापेंगे, तो जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो हो जाएगा 81 बराबर 11 इंटू, अब 11 ई इंटू ई कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो एक से 12 कॉइल है, फिर 11 क्यों काउंट किया गया? तो हम लोग यहाँ देखते हैं, अगर हम लोग जब कार्बन ब्रश लगाकर आर्मेचर से ईएमएफ प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट 12 और 13 जो है वो कार्बन ब्रश से आपस में शॉर्ट हो गया है। तो इस दो कम्यूटेटर सेगमेंट जो कॉइल ज्वाइंट है 12 नंबर का, वो क्या होता है, उसका ईएमएफ जो होता है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है आउटपुट के तौर पर, वो इंटरनली यूटिलाइज हो जाता है स्पार्किंग के तौर पर। यहाँ पे क्या होता है, जब कार्बन ब्रश इस पोजीशन में आता है तो ये स्पार्किंग यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो शॉर्ट हो जा रहा है इस कार्बन ब्रश के द्वारा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा कार्बन, यहाँ C2 कार्बन ब्रश माने तो C1 वाला का एक और जो कार्बन ब्रश होता है वो उसका आधा हिस्सा 24 से सटेगा और आधा हिस्सा शुरुआती कम्यूटेटर सेगमेंट से सटेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं कि 24 नंबर का जो कॉइल है उसका एक लेग 24 से जुड़ा हुआ है, दूसरा लेग एक से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट कार्बन ब्रश C1 से जुड़ा हुआ है। तो इसमें इस कारण से क्या होगा, 24 नंबर वाला कॉइल जो है उसमें भी वही समस्या मिलेगी जो 12 वाला में मिल रही थी। तो इस कारण से इसका आउटपुट के तौर पर हमको ईएमएफ यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहाँ दोनों सेक्शन में 12 ना करके 11 इंटू ई कर दिया गया है, और यहाँ पर भी 11 इंटू ई किया गया है। ये ई कॉमन क्यों है? क्योंकि प्रत्येक कॉइल के द्वारा जो है ईएमएफ पैदा होता है वो एक बराबर होता है, तो जितना कॉइल यूज में आ रहा है उसको उससे इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 180 डिग्री में जो हमको ईएमएफ बन रहा है ET1 ये इतना हो जाएगा, और ET2 जो है वो भी इतना होगा, सेम रहेगा। 180 डिग्री में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ जो है वो दोनों हिस्सों में एक बराबर रहेगा, ठीक है।
अब हम कुछ लोग के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन आ रहा होगा, कहीं यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये 24 नंबर का जो कम्यूटेटर सेगमेंट है और एक नंबर का, वो दोनों जो है एक बराबर रहता है, एक पास में रहता है, ठीक है। तो हमेशा 180 डिग्री के अंतर में ही हमको EMF प्राप्त होता है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितना है, 24 है, कॉइल यूजफुल कितना हुआ, 22 हुआ, क्योंकि दो जो है कम्यूटेटर से शॉर्ट हो जा रहा था यहाँ पर, देख जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, और 24 और एक नंबर कम्यूटेटर शॉर्ट हो गया, वही माइनस कर दिया गया है यहाँ पे। और नंबर ऑफ कम्यूटेटर शॉर्ट बाय कॉइल एंड कार्बन ब्रश कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कम्यूटेटर C1 से कौन कौन हो रहा है, 24 और एक, C1 से 24 एक, मतलब दो कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट हो रहा है, और C2 से 12 और 13 दो वहाँ हो रहा है, टोटल मिलाकर 4 कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट हो जा रहा है कार्बन ब्रश के द्वारा। तो इस कारण से ही हमारा ये कैलकुलेशन बना था, ठीक है। और कार्बन ब्रश जो होता है, जब कम्यूटेटर सेगमेंट से मैच मतलब रन करने वक्त नाचते वक्त मिलता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन ब्रश का जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, कम्यूटेटर सेगमेंट का जो भी जो दो कम्यूटेटर सेगमेंट का जो टोटल चौड़ाई आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, बीच में इंसुलेशन होता है, वो एक बराबर होता है। इसके कारण से क्या होता है, हर कंडीशन में ये कार्बन ब्रश जो है दो कम्यूटेटर सेगमेंट को रन करने वक्त हमेशा दो कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट करेगी, और प्रत्येक कार्बन ब्रश के द्वारा एक कॉइल को हमेशा बारी बारी से शॉर्ट करवाया जा रहा होगा, और ये कंटिन्यू एक कॉइल को शॉर्ट कराती है, लेकिन उसको फिर छोड़ती है, जिस से टच करेगी, जिस तरफ शिफ्ट होगी उस साइड से आने वाले कॉइल को वो शॉर्ट कराती जाएगी, छोड़ते जाएगी, ठीक है। इस तरह से एक क्रमशः काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात उठता ये है कि जो हम लोगों ने आर्मेचर ये यूज किया है, ये आर्मेचर यूज किया है जो कि हैंड ग्राइंडर का है, इसी टाइप का मिक्सी में यूज होता है, यहाँ पे स्लॉट की संख्या जो है 12 है, कम्यूटेटर की संख्या है जो 24 है। तो ऐसा क्यों है, तो इसमें ये हुआ है कि जो इसका जो एक स्लॉट में, जैसे कि एक लपेट सपोज कीजिए हम लोग एक स्लॉट में हम लोग लपेट कर रहे हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के द्वारा ताकि समझने में आसानी होगा। जिस आर्मेचर में स्लॉट की संख्या और कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या बराबर होती है, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से की जाती है कि एक कॉइल को इस प्रकार से लपटें, मतलब दो कॉइल को बनाने में हम लोग 3 स्लॉट का यूज करते हैं। तो ये कैसे हुआ, इस तरह से किया गया, और फिर बीच वाला जो होता है कॉमन स्लॉट हो जाता है दो कॉइलों का, यहाँ से देख सकते हैं इसको इस तरह किया गया, तो बीच वाला कॉइल जो है कॉमन हो जाता है, सी कम्यूटेटर यहाँ लग गया, एक कम्यूटेटर यहाँ लग जाएगा, एक कम्यूटेटर यहाँ लग जाएगा, 3 कम्यूटेटर सेगमेंट यहाँ उपयोग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 स्लॉट भी यूज हो रहा है, ये चीज़ देखना होगा, 3 स्लॉट यूज्ड फॉर 2 कॉइल। अब यही चीज़ हम अभी जो हम लोग को मिला है ये वाला आर्मेचर जो मैंने, इसमें 12 स्लॉट और 24 कम्यूटेटर सेगमेंट है, इसमें क्या है कि यहाँ पे 2 स्लॉट का यूज किया गया है दो कॉइल को एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि सपोज कीजिए एक कॉइल को बनाने में हम लोग का जो मतलब दो कॉइल जो है टोटल अगर 80 टर्न का है, तो इसमें क्या किया गया है कि इस दो कॉइल को इसी दो स्लॉटों में एडजस्ट कर दिया गया है। कैसे, तो इसमें क्या है कि इसको इस तरह लपेटा गया है, लपेटे लपेटे 40 टर्न हुआ है, तो उसमें टर्मिनल को कम्यूटेटर में कनेक्ट करते हुए फिर नेक्स्ट 40 टर्न इसी में लपेट के निकाला गया है, जिससे 3 टर्मिनल निकला है, और 3 टर्मिनल के लिए 3 कम्यूटेटर सेगमेंट यूज हुआ है। यहाँ कम्यूटेटर सेगमेंट चाहे इस वाले में और चाहे इस वाले में, कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या यूज हो रही है वो उतना ही हो रही है, बस स्लॉट का अंतर हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है और यहाँ पे 2 हो रहा है, जो कि ये इस ये वाला जो है मिक्सी ग्राइंडर हाई स्पीड का आर्मेचर जो होता है इस हिसाब से बना होता है। और डीसी फैन जो पंखे होते हैं, डीसी पंखे
उसका वाइंडिंग कुछ इस प्रकार से होता है, चाहे डीसी मोटर स्टार्टर हो, सेल्फ स्टार्टर में यूज होता है, और चाहे फैन में यूज होता है, लो स्पीड के लिए इस सिस्टम को यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग को स्लॉट का अंतर मिल जाता है। तब अब हम लोग ग्राउलर के द्वारा जो है आर्मेचर टेस्टिंग करेंगे। पहले हम लोग करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग कि कोई क्वाइल जो है अंदर से शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस आर्मेचर को इस प्रकार से रख देते हैं, और रखने के बाद जो हम लोग ग्राउलर को ऑन करते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसको चेक करने का तरीका, मैं इस ब्लेड को यहाँ पर रखूँगा तो साउंड करेगा, देखते हैं। रुको फिर से कौन, अब हम लोग जो है इस ग्राउलर का उपयोग करके जो है इस आर्मेचर को, डीसी मशीन के आर्मेचर को या मिक्सी ग्राइंडर के जो आर्मेचर होता है उसका टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इस और इसको चेक करने से पहले हम देखेंगे ग्राउलर हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहिए, मतलब ये चुंबक बन जाना चाहिए, और ये काम कर रहा है कि नहीं इसको देखेंगे। और इसको हम लोग सबसे पहले देखने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे ग्राउलर को, तो ये पत्ती जो है इस पर चिपकेगा और साउंड करेगा, देख रहे हैं। इसमें जो वाइब्रेशन का आवाज़ आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जो चुंबक बन रहा है वो एसी सप्लाई के द्वारा बन रहा है, इसलिए इसमें वाइब्रेशन मिल रहा है। अगर डीसी रहता तो नहीं देता, तो ये सही से काम कर रहा है, चिपक रहा है, मतलब ये वर्क कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफ करके अब इसके ऊपर आर्मेचर रखेंगे, ठीक है। आर्मेचर को इस प्रकार से रखेंगे कि कम्यूटेटर सेगमेंट हमारे लिखे हुए पार्ट पे आए, साइड पे आए। अब हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इस पत्ती को जो हेक्साप्लेट का पत्ती है उसको इस प्रकार से रखेंगे कि हमारा इसमें ये, अगर ये एक बराबर डिस्टेंस में हल्की ऊंचाई में रखेंगे और इसको नचाएंगे, अगर हमारा ये पत्ती किसी उस नचाने के क्रम में कहीं जिस स्लॉट के ऊपर चिपक जाता है तेजी में, वो स्लॉट का क्वाइल जो होगा वो ख़राब होगा। अभी तक ऐसा नहीं मिल रहा है, नचाते हैं, अच्छा नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है, और नचा, नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा है। इस प्रकार से अगर किसी स्लॉट में अगर ये हेक्साब्लेड नहीं चिपकता है एक बराबर सभी चारों घुमाने पर नहीं चिपकता है, तो वो आर्मेचर इंटरनली शॉर्ट नहीं होगा। अगर किसी स्लॉट के ऊपर, जैसे कि स्लॉट के ऊपर अगर शॉर्ट रहेगा तो ये तुरंत चिपक जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये स्लॉट में डैमेज होगा, ऐसा हम लोगों ने चेक किया तो कहीं भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया जिसमें कि ब्लेड स्लॉट के ऊपर चिपक जाए। इसका अर्थ है इसमें क्वाइल जो है शॉर्ट नहीं है, आर्मेचर शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो है इस डायग्राम में समझेंगे कि हम लोग का कम्यूटेटर सेगमेंट जो है लगा हुआ है, और इसमें 180 डिग्री में जितना कम्यूटेटर सेगमेंट है हम लोग इसको चेक कैसे करेंगे, किसी एक कम्यूटेटर सेगमेंट पहले मान के चलते हैं इसको, इसको इसको चेक करेंगे तो इसके एक क्वाइल के द्वारा जो ईएमएफ बन रहा है ई वो मिलेगा, ठीक है। इसमें रखेंगे तो इसका डबल मिलेगा, और इस तरह बढ़ते जाएंगे तो उतना गुना अधिक मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस आर्मेचर में टेस्ट करेंगे ग्राउलर की मदद से। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऑन करते हैं, ऑन करने की पोजीशन सही कर लें, ऑन करते हैं। अब ऑन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम अपने मल्टीमीटर को एसी सप्लाई में रखेंगे, क्योंकि वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है वो एसी है, तो 200 वोल्ट पे एसी पे सेट कर दिए। सेट करने के बाद जो है हम लोग इसका जो एक प्रोब है मल्टीमीटर का, एक कम्यूटेटर सेगमेंट में रखेंगे।
और दूसरा वाला दूसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में रखेंगे, देखते हैं कितना मिल रहा है हमको, कितना मिल रहा है, डेढ़ वोल्ट मिल रहा है एक कॉइल के द्वारा, हमको कितना मिल रहा है, डेढ़ वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में, तो हम लोग को यहाँ पर एक कॉइल के द्वारा कितना मिल रहा है, डेढ़ वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो डेढ़ वोल्ट मिल रहा है, तो हमको E बराबर हो गया डेढ़ वोल्ट, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 वोल्ट के आसपास। हाँ, 15 वोल्ट के आसपास मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना। तो हम लोग को जैसा कि जब भी हम लोग जो चेक किया था, तो दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच हम लोग को डेढ़ वोल्ट मिल रहा था, तो हम लोग को अगर 180 डिग्री में चेक करेंगे 1 से 12 के बीच में, तो हमको कितना मिलेगा, लगभग 15 वोल्ट के आसपास वोल्टेज हमको बताना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, वो 180 डिग्री में मिलेगा, मतलब कहने का 1 से 12 कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में मिलेगा। तो उसको फिर से ऑन करते हैं, और इसका जो है हम लोग एक किनारा यहाँ पे रखते हैं और एक किनारा इस साइड में रखेंगे 180 डिग्री एंगल में, एक मिनट इधर रखें और एक इधर रखते हैं। कितना बता रहा है, दिखा रहा है 15.6 वोल्ट के करीब बता रहा है। ठीक है, और तो ये हमारा क्या मिला, 180 डिग्री मतलब एंगल में, मतलब कि सर्किल रोटेशन में हमको मैक्सिमम वोल्टेज कितना मिला, 15.6, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला था। ठीक है, उस हिसाब से हो गया, तो यही हुआ, यही वोल्टेज हमको इस डायग्राम की तरफ से दोनों, मतलब यहाँ पे अगर कम्यूटेटर आप समझेंगे इसमें इस किस तरह से हम लोग टेस्टिंग किए हैं, तो मल्टीमीटर के एक प्रोब को हम लोगों ने यहाँ रखा, एक कम्यूटेटर सेगमेंट यहाँ पे था जो था यहाँ पे, और एक कम्यूटेटर सेगमेंट जो यहाँ पे था वहाँ पे, और इस तरह से हम लोगों ने मापा, तो हमको मैक्सिमम जो इंड्यूस वोल्टेज है 180 डिग्री में वो हमको प्राप्त हुआ, वो आया हमारा 15.5 कि 6 वोल्ट के पास में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो है ये सही ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, और वैसे तो हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग को देखना होता है कि सभी कॉइल जो है वो एक बराबर ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है या नहीं, हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट होगा तो ईएमएफ कम इंड्यूस करेगा। तो इसको करने का तरीका ये है कि हम लोग पहले किसी एक कम्यूटेटर सेगमेंट को हम लोग ले लेते हैं, और उस पर क्या करते हैं हम लोग, इस पर हम लोग क्या करेंगे, पहले निशान कर देंगे ताकि हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे कि कहाँ से स्टार्ट किए थे। ठीक है, पहले इसको ऑफ करते हैं और यहाँ पे कुछ निशान बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें वाइटनर के द्वारा जो है इसमें एक निशान लगा देंगे ताकि हमारा स्टार्टिंग वाला पता चले। ठीक है, यहीं पे रहेंगे। ठीक है, अब करने के बाद हम लोग अब इसका टेस्टिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको ऑन करते हैं ग्राउंडर को, और हम लोग एक फ्लॉप जो है वही वाइट वाले रखेंगे और दूसरा वाला इस प्रकार से रखेंगे, दोनों शॉर्ट नहीं होना चाहिए हमारा, इसको इस प्रकार से रखोगे कम्यूटेटर से शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, कितना आ रहा है देख सकते हैं, 1.1 वोल्ट, 1 और 2 वोल्ट के करीब आ रहा है, 1 वोल्ट के करीब आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोब को इस पे शिफ्ट करेंगे, और मतलब इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे इस पे और इसमें चलेंगे, कितना बता रहा है, 1.5 बता रहा है। ठीक है, और उसके आगे फिर टेस्ट करो, कितना बता रहा है, 1.1 बता रहा है, 1.2 मतलब इनपुट वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट होगा तो आउटपुट भी वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, मतलब लगभग लमसम लेके चलना पड़ेगा, ज़्यादा अंतर नहीं मिलना चाहिए। और फिर आगे चेक करेंगे, 1.6 के करीब में बता रहा है। ठीक है, तो फिर इसी तरह से चेक करेंगे, 1.6 करीब बता रहा है, 1.1 बता रहा है। ठीक है, इसको ऐसे रखना है कि दोनों कम्यूटेटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए, 1.3 करीब बता रहा है। ठीक है, पावर ज़्यादा, और चूँकि ये प्लास्टिक जो थोड़ा ऊँचा कर दे रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, अब फिर से देखो,
11.5 आगे देखो ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्रमशः टेस्टिंग करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करेंगे और उसमें हमको प्रत्येक कॉइल के द्वारा जो है प्रत्येक कॉइल के द्वारा एक बराबर वोल्टेज लगभग बताना चाहिए। हो सकता है कि पॉइंट के बाद का ऊपर फ्लक्चुएशन मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कॉइल में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी जो किया टेस्टिंग वो था हम लोग का, आपको कॉइल हमारा जो है वो ओपन सर्किट तो नहीं है, कॉइल कहीं से खुला तो नहीं है। अगर ये मानते हैं कहीं से, अगर ये लेग मानते हैं यही कॉइल है और इसका एक लेग अगर यहाँ से टूट जाए तो इस कम्यूटेटर के बीच में हमको वोल्टेज नहीं बताएगा। ठीक है, तो सभी कॉइल का कनेक्शन सही से जुड़ा हुआ है नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, वो हम लोगों ने इस टेस्ट के द्वारा देखा मल्टीमीटर का यूज़ करके और कम्यूटेटर में इंड्यूस ईएमएफ को माप कर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग टेस्ट करेंगे, हम लोग करेंगे बॉडी अर्थ टेस्ट। बॉडी अर्थ टेस्ट में क्या होता है कि हम एक प्रोब जो है मल्टीमीटर का कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर रखेंगे और दूसरा शाफ्ट के शाफ्ट पे रखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो है कोई वैल्यू बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो मल्टीमीटर को फिर से वही वैल्यू में रखेंगे हम लोग, इसको हम लोग रखते हैं 200 वोल्ट एसी में और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं फिर से उसी पोजीशन में रखते हैं आर्मेचर को ग्राउलर के ऊपर और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक प्रोब जो है रखेंगे शाफ्ट पे, दूसरा कम्यूटेटर पे। देख सकते हैं कोई वैल्यू हमको नहीं बता रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा जो आर्मेचर है बॉडी अर्थ प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहा है और ये सही है। ठीक है, और इसको अब हम देखेंगे, ये तो टेस्टिंग में हमको पता चला कि हमारा बॉडी अर्थ प्रॉब्लम नहीं है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा इस डायग्राम में देखते हैं कि हम लोग का जो एक कॉइल के द्वारा अगर हम लोग शॉर्ट कराते हैं तो मैक्सिमम करंट कितना देता है, क्योंकि ओम के नियम के हिसाब से जितना वोल्टेज रहेगा उसके रिस्पेक्टिवली हमको कुछ ना कुछ करंट मिलेगा बंद करने पे सर्किट को। तो उसको हम लोग टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है और ग्राउलर में मेनली जब मल्टीमीटर नहीं होता है तो इसी एमीटर की सहायता से कॉइल का टेस्टिंग किया जाता है कि कॉइल जो है सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसके द्वारा से बॉडी अर्थ टेस्टिंग भी किया जाता है। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। इसके दोनों कनेक्टर में दो प्रोब लगा देते हैं, इसमें मल्टीमीटर का प्रोब लग जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो काला वाला को काला में लगा दिए, लाल वाला को लाल में लगा दिए। ऐसे इसमें कलर कोडिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि एसी मिल रहा है तो एसी में कलर कोडिंग का मतलब कहने का पोलैरिटी का कोई टेंशन नहीं होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसका टेस्ट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि एक दो कम्यूटेटर से मतलब एक कॉइल के द्वारा कितना करेंट आउटपुट हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर लगाते हैं एक और एक लगाते हैं इसमें, तो देख सकते हैं 2 एम्पियर हमको करंट ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको एक जो प्रोब है इसको वहीं पर रहने देंगे, दूसरा को तीसरे में लगाएंगे। अब तीसरे कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाएंगे तो ये दो कॉइल का वैल्यू बताएगा करंट वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ कितना आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। उसी तरह अगर 4 में लगाएंगे तो 4 कॉइल का वैल्यू बताएगा, सॉरी 3 कॉइल का वैल्यू बताएगा, 4 लगाएंगे तो 3 कॉइल का वैल्यू बताएगा। कैसे अब देखते हैं हमारा तो कुछ अधिक वैल्यू बढ़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ऊपर साइड में मैग्नेटिक फ्लक्स तो मिल नहीं रहा, नीचे ही से मिल रहा है, इस कारण से ईएमएफ जो है सब में एक बराबर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्रमशः नचा के इसलिए टेस्टिंग किया जाता है कि हमको हर सेक्शन को अच्छा से फ्लक्स मिले और हम लोग टेस्टिंग सही से कर पाए।
तो यहाँ पे देखते हैं कि एक कॉइल के द्वारा हमको कितना करंट मिल रहा है, ये देख लेंगे। यहाँ मिला 2 एम्पियर के आसपास, ठीक है, 2 एम्पियर से कुछ अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो ये देख लेंगे। अब बॉडी और टेस्ट करते हैं, तो क्या क्या करते हैं, इस कम्यूटेटर सेगमेंट में इस प्रोब को लगने ही देंगे, और इस एक प्रोब को हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट में लगाएंगे। देखते हैं आर्मीटर में कोई हमको फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा आर्मीचर बॉडी अर्थ प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं है, ठीक है। अगर यही जो हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट कर रहे थे उठ रहा था, वही अगर शो इसमें करने लगे, तो इसका अर्थ है क्या कि इसमें बॉडी अर्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर बॉडी अर्थ टेस्ट कर रहे हैं तो रीडिंग इसको नहीं देना चाहिए, अगर कॉइल चेक कर रहे हैं कम्यूटेटर सेगमेंट का, तो इसको रीडिंग देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ग्राउलर का उपयोग करके हम लोग आर्मेचर का टेस्टिंग करते हैं।